हेलो एवरीवन, मैं प्रीति प्रीति मेकअप चैनल से। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, यहाँ पर मैंने गर्ल्स मेकअप लुक क्रिएट किया है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे ना तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको फुल अपना आउटफिट दिखाया है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, आप लोगों को देख लेते इस लुक को हमने कैसे क्रिएट किया। सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे गुलाब जल, जो मैंने एक स्प्रे वाली बॉटल यानी कि मेरी जो मिस्ट की बॉटल थी गुड वाइब्स की, उसमें मैंने डाल रखा है आई को बंद करके। ये देखिए, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है और कुछ देर के लिए बाबू बैठी है और कुछ देर के लिए आपको छोड़ देना है, ठीक है? कुछ देर के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। जब ये स्किन में आपके अच्छे से ऑब्जॉर्व हो जाए तब आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एनवाइबे का कंसीलर, मेरा सेड है गोल्डन 3। अच्छे से मैं अपने पूरे आईलेट पे लगाऊंगी, आपको आईब्रो के पास भी लगा लेना है। ये देखिए, दोनों ही आईलेट पे आपको अप्लाई कर लेना है। हमने ब्यूटी ब्लेंडर अपना ले लिया है, इसको हम अच्छे से गीला कर लिया और एक सूती कपड़े में मैं इसको अच्छे से दाब लेती हूँ ताकि जो हमारा ब्यूटी ब्लेंडर का एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, ठीक है? अच्छे से आपको इसको ब्लेंड आउट करना है। अगर आप कहीं ज्यादा आपका लगा रहेगा कहीं कम, तो जब आप आई शेडो अप्लाई करोगे ना तो मोटा पतला नहीं दिखेगा, डार्क और लाइट दिखेगा। इसके बाद मैं लूंगी अपना एनवाइवे का कॉम्पैक्ट और इसको अच्छे से अपने कंसीलर को जो हमने अप्लाई किया था उसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। बाद मैं ले रही हूँ अपना विल्टन व्हाइट का आई शेडो पैलेट, ये देखिए ऑरेंज और ये, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके फिर मैं ट्रांजिशन शेड बनाऊंगी। हमारा ऑरेंज शेड है काफी ज्यादा डार्क है, इसलिए मैंने ये वाला मिक्स कर लिया ना, तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा और जस्ट हमको क्रीज में अप्लाई करना है। ये देखिए, हल्के हल्के से आपको ब्लेंड आउट करते हुए। और ये जो विल्टन व्हाइट का आई शेडो पैलेट है, इसकी पिगमेंटेशन इतनी ज्यादा अच्छी है, अगर आप विगनर हो ना एक बार जरूर लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। के बाद क्या करेंगे, हल्का सा ये वाला पेड मैं लूंगी, ये देखिए हल्का सा, इसमें जो है हल्का सा ब्राउन टच दूंगी, हल्का सा ब्राउन टच आपको देना है, ठीक है? दोनों को मिक्स करना है, आईलेट पे आपको अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। जस्ट आईलेट पे मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ। ये देखिए, मैं ले रही हूँ हाफ एंड हाफ का पैलेट, हाफ का मैंने पैलेट लिया है और इसमें से मैं फिंगर की हेल्प से ये वाला शेड पिक कर रही हूँ। प्यारा लुक आ जाता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहे तो फ्लैट ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लगाने जा रही हूँ एनवाइवे का लाइनर, काफी इजी विग लाइनर लग जाता है। फिर लास्ट में जहाँ पे आपने लगाया था ना वहां से ले जाके आपको इस तरीके से, ये देखिए, मिला देना है। देखा आपने, बहुत ही ज्यादा इजी है, देखने में मुश्किल लगता है लेकिन जब आप लगाने लगोगे तो बहुत ही अच्छे से लग जाता है। अब हम अपनी आईब्रो को फिल करने के लिए ले रहे हैं जेल लाइनर, जो है म्यूजिक फ्लोअर का, और ये मैंने लिया था अमेजोन से, लिंक मैं दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। इसमें दो सेट आपको मिल जाते हैं और अच्छे से आपको अपनी आईब्रो को फिल कर लेना, हल्के हल्के से, इकट्ठे नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा सा लगाना है। और ये जेल लाइनर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से आपकी आईब्रो को फिल भी कर देता है। ब्राउन वाला शेड बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से एक ब्रो कॉम लेंगे हम, इससे अपनी आईब्रो का जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे। हल्के हल्के से आपको करना है, अगर ज़्यादा धसा कर करेंगे तो जो आपने जेल लाइनर लगाया ना वो खराब हो जाएगा। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लैक्मे का काजल, जो मेरा इतना ज्यादा छोटू हो गया है, क्या बताऊं मैं आपको। ये पर्पल वाला शेड हम पिक करेंगे हल्का सा, इसके बाद मैं लगा रही हूँ एनवाईवी का सीरम और ये काफी ज्यादा अच्छा सीरम है। ये देखिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा सीरम है। तब भी मैं इसको लगाती हूँ, हल्के हाथ से आपको लगाना रहता है, ज्यादा रगड़ना नहीं रहता है। ये देखिए कितना अच्छा सा ग्लो आ जाता है, ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ये। हाँ, कितना अच्छा सीरम है ना, वाओ। अब जैसा कि आपको पता है कि लैक्मे का मॉइस्चराइजर मेरा ऑल टाइम फेवरेट, फिनिश होने वाला यार निकला तो इतना मामा मुझे बाबू को तो चाहिए चाहिए।
और इसकी खास बात आपको क्या है बताओ, इसको लगाने पे आपके फेस पे पिंकी सा ग्लो आ जाता है। तो मैं इसको इसी को लगाती हूँ, मैं इसी को लगाती हूँ, मुझे बहुत ही पसंद है, मैं इसको इसी को लगाती। क्या यार, ये देखिए, चांदनिया छुप जाती है ना। और क्योंकि ये पिंक पिंक टोन में तो हाई है, जो यूज करते होंगे उनको पता ही होगा ना कि पिंक टोन में है और बहुत ही अच्छा सा ग्लो दे देता है। मैं अपने बाबू को भी यही लगा देती हूँ कभी कभी। चांदनिया छुप जाती है। बाबू नहीं, मामा देख रही है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ड्राई होने देते ताकि ये आपकी स्किन में अच्छे से सेट हो जाए, है ना। ये देखिए सेट हो चुका है। तो अब मैं लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी का प्राइमर। अगर आपके पास ये नहीं है ना तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकती हो। और ये जेल है, और मेरी सब्सक्राइबर ने बोला था दी आप अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो मैंने अपना बैकग्राउंड इस तरीके से सजा लिया है, फ्लावर्स उन्होंने बोला था लगा लेना, तो मैंने कहा चलो लगा लेंगे। तो कैसा लगा आप बताइएगा डियर, जरूर उनकी रिक्वेस्ट पे, रिक्वेस्ट बोलो या मेरे लिए उन्होंने सजेस्ट किया ये बोल सकते हो आप। तो मैंने लगा दिए हैं, बाबू हट जाओ। हाँ तो आप लोग भी बताइएगा कैसा लगा। तो हमने यहाँ पे अपना प्राइमर लगा लिया है, और ये देखिए इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। हमने खाने जा रही हूँ अपना लैक्मे का फाउंडेशन। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से, चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, जैसे आपका दिल करे वैसा आप लगा सकते हो। अरे अपना ब्यूटी ब्लेंडर चालू हो जा। मेरा ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है ये, मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। अगर आप अभी तक नहीं लिए हैं तो जाकर लीजिए, और बजट में है। और आप जब ब्लेंड करोगे ना तो जिन्हें ब्लेंड करना नहीं आता उन्हें भी अच्छा लगना, अच्छा लग रहा, अच्छा लगने लगेगा ब्लेंड करना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आई के नीचे मैंने दोनों साइड ज्यादा लगाया था, बताती हूँ क्यों, क्योंकि आई का आपका डार्कनेस होता है आई के नीचे, आई के नीचे आपके डार्कनेस होती है ना, तो इससे क्या हो जाएगा ना कि ये कवर कर लेगा थोड़ा सा, वहां पे फाउंडेशन ज्यादा होगा। वरना आप कलर करेक्टर भी कर सकते हो, ऑरेंज कलर करेक्टर भी लगा सकते हो, लेकिन मैं इतना ज्यादा झाम तम नहीं बताती हूँ ना, आप भी परेशान हो जाओगे दीदी कितना लेयर लगाती है ना। नहीं मुझे पता नहीं क्यों नेक पे अच्छा लगता है ना कि मैं अपने नेक पे जो है वो ब्रश यूज किया करूं, और फेस पे मुझे अच्छा लगता है क्या ब्यूटी ब्लेंडर। ये वाला ब्लेंडर तो आपको पता ही है माइंड ब्लोइंग है, जब से मैं इसको यूज करने लगी हूँ ना इसी के पीछे पड़ गई हूँ बिल्कुल से। चलो इसी से लगा लेती हूँ चांदनिया। आज पता नहीं क्यों यही मेरे मन में गाना आ रहा है, बस चांदनिया चांदनिया, पूरा गाना भी नहीं आता मुझे, सोचो आप लोग। मैं हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ बट आप लोगों के साथ नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग भी बोलोगे कि दी आता नहीं है, ऐसे ही बोलती रहती है। हमारा क्या है, क्या बोलो, तो हमारा लग चुका है क्या फाउंडेशन, अब फिर हमसे एनवाइवे का क्या कॉम्पैक्ट स्पंज होता है ना, इसमें इसकी हेल्प से भी आप अप्लाई कर सकते हो इस तरीके से, और ब्रश की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो, जैसा आपका दिल करे आप उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, मैं करूंगी थोड़ा सा ब्राउन्जर। ब्राउन्जर के लिए मैंने कोई भी ब्राउन्जर सेट, सॉरी क्या यार, ब्राउन्जर पैलेट नहीं लिया है, और मैंने अपना आई पैलेट लिया उसमें से ब्राउन्जर सेट पिक किया, उसी से हम ब्राउन्जर कर ले रहे हैं, ये सभी के पास मिल जाता है। अरे मूंछ के लिए काफी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे ये, इसमें कितने कलर तो गिनते हैं।
के लिए ये वाला पैलेट ले रही हूँ और आप बोलोगे दी ये क्या हो गया, दूसरा ले लो। क्या करूँ, जितना लेती बाबू खा जाती है, मतलब लगा लेती है, उसको मौका मिल जाता है, जो मैं लगाती थी वही ले गई। और ये वाला तो कोई मतलब का नहीं था, इसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5 शेड मिल जाते हैं, तो आज मैं ये वाला डार्क वाला थोड़ा सा लगा लेती हूँ, इसमें थोड़ा सा लाइट मिक्स कर लेती हूँ एक्स्ट्रा निकालते हुए। देखिए वरना मैं हमेशा लाइट लगाती थी, अब क्या करूं, थोड़ा सा डार्क आज पिंक पिंक मैं भी हो जाऊं। इसके बाद मैं लगा रही हूँ एडीएस का लिप लाइनर। वो भी तो वो जो था चांदनिया छुप जाती है मेरे रंग में, रंगने वाली परी है या है परियों की रानी। हुडा ब्यूटी की आज मैं ये वाली लिपस्टिक लगा रही हूँ। वाओ, शेड मिल गया, शेड मेरा है ना क्या कहते हैं फोर्थ। इतना ज्यादा लाइट रहता था ना कि मैं परेशान हो जाती थी, आज दिखा यार लगता है मेरी आंखें काम नहीं कर रही हैं। शेड मेरा है हुडा ब्यूटी का 4। और ये जो हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक है काफ़ी प्यारा वाला शेड आप देख सकते हो, बिल्कुल रेड वाला। अगर आपको रेड शेड पसंद है तो ये वाली लिपस्टिक आप ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसको इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है। तो हाइलाइटर के लिए मैं ये वाला शेड लूंगी, अपना सीज ब्यूटी का पैलेट। इसको तो मैं भूल कैसे सकती हूँ यार, हद से ज़्यादा पसंद है। नमस्ते, थोड़ा सा चिपर जब तक। तो गाइस ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक, बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को। और हाँ, जब मैं हाइलाइटर लगा रही थी तो लाइट चली गई थी, तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा, लुक कैसा लगा वो भी बताइएगा, और बैकग्राउंड कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो चलिए मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, कोई भी कमी लगी हो तो वो भी बताइएगा। ओके, बाय बाय।